अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनम कुजीन। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लेके आ रही हूँ वो पोटैटो पाई की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। इसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पैकेट कीने का जो कि मैंने हाफ बॉईल करके रखा हुआ है, काली मिर्च आधी चम्मच और आधी चम्मच नमक डाल के। मैश्ड पोटैटो तकरीबन 5 मैंने मैश्ड पोटैटोस किए हैं, 5 आलू उबाल के उनको मैंने मैश कर लिए। उसके बाद आपको 2 टेबलस्पून जो है बटर चाहिए होगा, एनी बटर, अनसॉल्टेड या जो भी आपके पास रिक्वायर्ड हो वो ले लें। 1 कप आपने बारीक कटी हुई प्याज ले लेनी है। सोया सॉस 1.5 टेबलस्पून, 1.5 चम्मच, 1.5 टेबलस्पून जो है वो आपका चिली चला जाएगा इसमें। 1 अंडे की हमें रिक्वायरमेंट होगी और तकरीबन आपको 1/4 कप से ज़्यादा जो है केचप हमारी लग जाएगी। देन हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून काली मिर्च जो है वो हमने ब्लैक पेपर रख लिया है। इसके बाद हमने मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रख ली हुई है, ये वाली इसमें मैक्रोनी डलती है। मैंने आपको पहले प्रोसेस बता दिया हुआ है कि मैक्रोनी बॉईल कैसे करनी है और इसमें आपने ऑयल लगा के रख देना है ताकि आपस में स्टिक ना हो। अब हम जो प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं, आपने करना ये है कि जो बॉइल्ड पोटैटोज हैं इसमें आपने जो मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट था वो डाल दिया है। कंप्लीट दैट मींस 1 बन जाता है, जो कि मैंने 1/2 उसमें डाला और 1/2 इसमें डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। इसको हमने बहुत अच्छा मिक्स कर देना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। ये देखिएगा, ये इसके बाद जब ये अच्छा काली मिर्च और नमक मिक्स हो जाए तो हमने इसमें बटर डाल देना है। 2 टेबलस्पून मैंने आपको बटर बताया था, 2 टेबलस्पून ही ये बटर मैंने करके रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून बटर करके इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कोशिश करें कि हैंड्स यूज करना चाहें तो बेसिक हैंड आप अपने हाथों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स होना बहुत जरूरी है। ये मेरा सेकंड स्टेप है और अब मैं आपको इसका थर्ड स्टेप बताती हूँ। पैन में जो मैंने आपको कहा 1/2 बॉयल मैंने कीमे को रखा हुआ है, जिसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक डाल दिया था। हम इसको तेज करेंगे ताकि ये हमने ड्राई करना है थोड़ा सा। जब ये मैंने इस 1/2 कुक करके इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए, जैसे ही ये थोड़ा सा पानी इसका कम होना शुरू होगा तो इसमें हम सोया सॉस और चिली सॉस जो मैंने आपको बताई है, 1 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस एंड 1 1/2 टेबल स्पून चिली को हम ऐड कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और हम इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे। जैसे ही ये ड्राई होगा तो हम इसमें आपका जो प्याज, मैंने 1 कप प्याज रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरी मदर एंड मदर इन लॉ की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूं। बहुत मजे की रेसिपी है, जरूर ट्राई करिएगा। जब ये ड्राई होने लगे और आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो इसमें हमने प्याज को डाल देना है, जो मैंने आपको बताया है कि 1 कप प्याज मैंने इसको करके रखा है। ये देखिएगा, ये मैंने प्याज डाल दिया है क्योंकि प्याज भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। ये हम मिक्स करके हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर देना। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है वो बाइंडिंग का स्टेप है। मेरा कीमा रेडी हो चुका हुआ है। मैंने आपको आलू बॉईल करके कैसे उसमें क्या क्या मिक्स किया है वो बता चुकी हूँ, और मैक्रोनी भी मेरी बॉईल हुई भी पड़ी हुई है। अब मैं हल्का सा ऑयल लूँगी, किसी भी चीज़ पे लगा लें अपने हाथ से, क्योंकि ये हाथ से ही बनती है चीज़। थोड़ा सा आपने सबसे नीचे आलू की बेस को देंगे, ये बेस आप पतली दे सकते हैं।
ये देखिएगा, अगर आपके हाथ पे स्टिक हो रहा हो तो ऑयल को टच करके तो उसको आप फैला सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट बेस बहुत हल्की सी देनी होती है। और इसको हमने बेक करना है, ये मैं आपको बता दूं, आप इसको ओवन में लास्ट में बेक भी करते होते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ये देखिए बहुत पतली लेयर मैंने इसको लगा दी है। अब मैं जो उसका जो पहली लेयर लगाऊंगी वो मैं कीमे की लगाऊंगी। देखिएगा कीमा ठंडा हो जाना चाहिए, कीमा आपका ठंडा होगा, और अगर नहीं भी है तो वो इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर आ जाए। ये मैंने कीमे की एक लेयर लगा दी, ये जिसी तरह हमने लेयरिंग्स उस पर लगाना है। कीमे की लेयर के बाद मैं इसके ऊपर केचप की लेयर दूंगी। ये देखिएगा बहुत अच्छा बनता है ये, बड़े मज़े का है ये, और मेरा तो सख्त वैसे भी फेवरेट ये डिश है। मेरी स्पेशल फरमाइश होती है अपनी मदर से कि ये बनाएं। उसके बाद आप इसमें जो मैंने मैक्रोनी बताई है, आपने इस तरह इसको बनाना है कि ये एक पहाड़ की तरह बनता जाए। ये हम एक मैक्रोनी की लेयर देने लगे। ये देखिएगा मैक्रोनी में नमक मैंने थोड़ा सा ऐड करके बॉईल किया था, उसी तरह ऑयल और नमक जैसा ऐड करके देते हैं, और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हम फिर कीमे की लेयर डालेंगे, स्प्रिंकल करके जो साइडों पे हो जाता है उससे कोई इश्यू नहीं आएगा। देखिएगा बहुत मजे की ये पीक सी बनती है। अगेन हम इसमें कैचअप को टच करेंगे, ये बिल्कुल केक स्टाइल में बन जाता है। मेरी कोशिश है कि मैं डिफरेंट रेसिपीज आपके सामने लेके आऊं, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद भी आ रही होंगी। उसके बाद सेंटर में आपने फिर हाथ पे ऑयल लगा के एक लेयर पोटैटो की देनी है। ये देखिएगा मैंने इसको जिस तरह आप लजानिया को करते हैं, आप कह दें बिल्कुल हल्की सी लेयर इसकी देनी है ताकि हमारा एक बेस बन जाए। जैसे जैसे आप इसको दबाते जाएंगे आप नोट करेंगे कि खुद ही एक शेप में आ जाएगा। बस दिस इज मोर देन एनफ। इसको हम फिर उसके बाद हमने दोबारा अगेन आपने मैक्रोनी को डालना है। इसको आपने प्रेस करना है, प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत मजे का ये टेस्ट आता है, एक बड़ा डिफरेंट सा आपको टेस्ट इसका फील होगा। हर चीज का हर टेस्ट अपना अलग होता है, इसी तरह इसकी भी अपनी आप कह दें कि वैल्यू है। अगेन हम कीमे की लेयर डालेंगे, इसमें क्रंची क्रंची आपको प्याज की भी बड़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिएगा ये हमने असल इसमें मेहनत होती है बाइंडिंग की, जो कि बड़ी जरूरी है। उसके बाद अगेन हम कैचअप को टच देंगे। आप चाहें तो कीमे के अंदर भी केचप को मिक्स कर सकते हैं, वो भी एक अनदर प्रोसेस है। समटाइम्स मैं ये भी कर देती हूँ कि कीमे के अंदर ही केचप को डाल देती हूँ, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन अगेन नूडल्स की पीक हम बना रहे हैं और इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने का मकसद ही है कि ये केक स्टाइल में आता जाए। ये देखिएगा वेरी नाइसली डन, और ये हमारा केक जो है वो केक की ही शेप में आएगा। मैंने इसकी बेस बना ली है, और बेस बनाने के बाद मैं हाथ से ही इसको
नीचे से आप देखिएगा बड़ा अच्छा ये कर रही हूँ, ताकि ये आप यू कैन यूज अ स्पैचुला ऑल्सो, अगर आप चाहें आप छुरी यूज कर सकते हैं, बट मुझे जरा मजा आता है या आसानी लगती है हाथ से बेस बनाने की, तो मैंने हाथ से ही बेस बनाई है इसको। आप दुबा के इसको एक पहाड़ी की शेप दे सकते हैं, ये मैंने पहाड़ी की शेप दे दी है। अब मैं इसको ऊपर से आलूओं से इसी उसी तरह करके पतली पतली लेयर लगा के कवर करूंगी। ये स्टेप जरूर नोट करिएगा, बिल्कुल इसको मैंने इसी तरह करके एक पतली लेयर करके, आपने बेसिकली इसको कवर करना होता है। मकसद हमारा ये है पोटैटो पाए का कि ये आपकी जो अंदर की इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इसको साथ साथ मैं प्रेस करती जा रही हूँ, ये देखिएगा इसका, ताकि ये आपकी नेक्स्ट उसके साथ जुड़ जाए। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप नहीं आपका टच हो रहा तो यू कैन यूज अ ऑयल जो कि मैंने साथ रखा हुआ है, इसको मैं हल्का सा टच करके तो मैं इसको करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी एक वो बन जाती है। इसी तरह मैं इसको पूरा कवर करूंगी, और कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी, और उसका मेथड जो है ये देखिएगा, मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। और अब मैं इसको पूरी बेस को एक दफा हाथ से दबा के, और इसका जो स्टेप है जो जगह मुझे लगता है कि मेरी फिल नहीं हुई, मैं उसको कवर करूंगी। और कवर करने के बाद ये देखिएगा, दिस इज वेरी गुड, एक पीक बन गई है। जहां से ये देखिएगा कवर नहीं हुई वहां पे भी आप पोटैटो लगा लें। और उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने पहले इसको अच्छी तरह दबा के देन आप इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। वेरी नाइसली प्रेस हो रहा है ये देखिएगा। प्लेट आप ऐसी लीजिएगा जो ओवन में चली जाए, क्योंकि इसने बेक होना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। हम इसको बेक करेंगे 150 डिग्री में। ये मेरा इसका बेस तैयार है। अब आपको मैं आगे स्टेप बताती हूँ। अब मैंने इसको ऑयल लगा के इसको हल्का सा कर दें। आपके पास अगर मेल्टेड बटर हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा प्रेस करें, वेरी नाइसली प्रेस होगा ये। अभी हम फोक को इस्तेमाल करेंगे, ये देखिएगा बड़ा अच्छा आपका हो जाता है इस तरह करके। और उससे पहले हम फोक और अंडे को हम इस्तेमाल करेंगे, पहले हम एक ब्रश ले लेंगे और उससे सारे इसको अंडा लगाएंगे, और अंडे से हम इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर आप टमाटर काट के गोल डालना चाहें तो वो भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, अंडे के अंडा लगाने से पहले डेकोरेशन के तौर पे। ये देखिएगा ये मैंने कर दिया है इसको पूरा ब्रश, कंप्लीट ब्रश करिएगा इसको। एग मैंने यूज किया था तकरीबन एक लिया था, बट अकॉर्डिंग आपका बनता है कितनी है, तो मेरे ख्याल में हाफ एग इस पर लग जाएगा। ब्रश से कवर करिएगा इसको, फुल कवर करना है, बिल्कुल कोई जगह छोड़नी नहीं है। उसके बाद आपने एक कांटा ले लेना है, और आप देखिएगा इसका थोड़ा सा मैं आपको डिजाइन करके बताऊंगी कि हमने एक बड़ा कांटा कोई भी ले लें, और उसको आप नीचे की साइड से लेके, ये देखिएगा मैं इसको इसी तरह करके आपने इस पे लाइनें जो हैं वो नजर आनी चाहिए। थोड़ा प्रेस करके लगाइएगा, ये बहुत अच्छी, जब ये बेक होगा तो ये बहुत अच्छी इसकी लाइंस नजर आएंगी। गार्निशिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया है, आप टमाटर भी ले सकते हैं। ये साइडों पे आप देख लीजिएगा कि मैं इसी तरह लाइंस को यूं लेके जा रही हूं। एक एक चीज मैं इसीलिए डिटेल में बताती हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपने किस तरह गार्निशिंग करनी है इसकी, और ये बहुत अच्छी लाइंस आती हैं। ये मैंने इसको एंड पे, ये देखिएगा इसी लाइंस में, लाइक मैं आपको कहूंगी कि हॉरिजेंटल, मैंने फिलहाल हॉरिजेंटल ही लेके जा रही हूं, और ये देखिएगा दिस इज स्ट्रेट यहां से किया। और इसको करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई भी ओरिगेनो डाल दें, और इसको बेक करने के लिए 15 मिनट्स के लिए
150 डिग्री में बेक होने के लिए रख दूंगी।